तीन दिन लगातार दूध में उबाल कर ये चीज पी लीजिए। आपकी शारीरिक कमजोरी, थकान, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की सूजन, शरीर में कैल्शियम की कमी, आंखों की रोशनी कम हो जाना, ये सारी तकलीफों को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आपके हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है या फिर आपसे चला उठा बैठा ठीक से नहीं जाता, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, काम करने लगते हैं, तो पूरा दिन आपका शरीर अकड़ा रहता है, आलस आपका पीछा नहीं छोड़ता, पूरा दिन आप बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका है, ये सारी तकलीफों को आप घर बैठे बैठे घरेलू नुस्खे के द्वारा बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज की इस रेमेडी का सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको ना तो ज्यादा पैसा खर्च करना है और ना ही कहीं बाहर जाना है। घर में रखी हुई चीजों का सही इस्तेमाल जानना है और उसके बाद उसको इनटेक करना है। सबसे अच्छी बात कि इसकी कोई उम्र नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 साल का है या फिर आपकी उम्र 60 साल की है, आप मेन है या वुमेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इसको इनटेक करना शुरू करें और फिर देखें अपने शरीर में आने वाले बदलाव। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और आपको लग रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर आपके लिए लाया जाए और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कटोरी भरकर, आप बाउल का साइज़ देख रहे हैं, इतने आपने मखाने को ले लेना है। ये क्वांटिटी आपने मखाने के इसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। मखाना क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके ओवरऑल बॉडी के लिए। अगर आपके गाउट की समस्या है, अगर आपको पुराने से पुराना अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, तो ये सारी तकलीफों को जड़ से खत्म करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा इसमें सफेद तिल, जो आपको लेने हैं 2 चम्मच। सफेद तिल बहुत ही अच्छे होते हैं सर्दी के मौसम में, ये आपकी शरीर में गर्मी देते हैं, जिससे कि आपको सर्दी में जल्दी से कफ नहीं होता, कंजेशन नहीं होता। अगर किसी को एस्थमा की समस्या है और सर्दियों में उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ बन जाती है, उनको सांस ठीक से नहीं आ पाती है, या आपका जो छोटा बच्चा है उसको भी बार बार कफ और बुखार की समस्या हो जाती है, तो तिल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इतना ही नहीं, तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ अगर आपको मांसपेशियों में सूजन की समस्या है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उठा बैठा नहीं जाता, तो सफ़ेद तिल आपकी ज़िंदगी को इतना बेहतर बना देंगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपके कभी घुटने में दर्द भी था, ठीक है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हमने करना कैसे है। इसके साथ हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट रहेगा 1.5 ग्लास दूध, गाय का दूध। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप गाय का दूध इस्तेमाल करें, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, क्योंकि गाय का दूध क्या करता है, बहुत जल्दी पच जाता है, जिससे कि आपका वजन नहीं बढ़ता है। तो चलिए अब इसको बनाने का सही तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह की कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है और सफेद तिल को उसमें अच्छे से भून लेना है, जैसे मैं आपको भून के दिखा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं हल्के से भून चुका है, आपने कम आंच पे ही इसको भूनना है, तेज आंच नहीं करनी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, 1.5 ग्लास दूध इसमें ऐड कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें अपने 1 बाउल भर के जो मखाने हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप इसको मीठा करना चाहते हैं, जिनको डायबिटीज है, तो आपको कुछ भी इसमें मीठा ऐड नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें मीठा ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी आपके शरीर का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देती है, वो मोटापे के साथ साथ आपके जॉइंट पेन लेकर आती है। तो आपने क्या करना है, या तो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है या फिर गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से अब आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है, आपको कम से कम इसको 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पे पकाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बॉइल्ड होंगे, तो उनके सारे इंग्रेडिएंट की गुडनेस इस दूध में आ चुकी होगी। तो बस अब आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। बस इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए, और बस आपको इसको एक खीर की तरह इसका सेवन करना है। अब जान लेते हैं इसका सेवन करना कब है। खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले आपने इस खीर का सेवन करना है, क्योंकि जब आप सोएंगे, इस खीर का सेवन करेंगे, तो ये पूरी रात आपके शरीर में अपना काम करेगा, यानी आपकी जितनी भी हड्डियों की कमजोरी थी, आपका स्ट्रेस था, आपके मांसपेशियों की सूजन थी, उन सबको ये बहुत अच्छे से दूर करेगा और आपके शरीर को बहुत ही अच्छी ताकत देगा। सुबह उठकर आप एकदम से जो पहले लेजी फील करते थे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और यही अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो आपने मखाने सिर्फ 10 से 12 लेने हैं,
और तिल जो है उसका 1/4 स्पून लेना है और उसके बाद अपने बच्चे को इस खीर को खिला देना है। इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम का है। अगर 6 साल का है तो भी आप यही क्वांटिटी दीजिएगा। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है तो आप सेम क्वांटिटी अपने बच्चों को या बड़े इंसान को दे सकते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं। आज से ही आप इसका सेवन करें और फिर देखिए आपका शरीर कितना फौलाद बन जाएगा। 3 दिन लगातार पीने से आपके शरीर में आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। लगातार आपने इसका 1 महीने तक सेवन करना है, फिर 15 डेज का गैप देके दोबारा से आपने इस मिल्क को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। प्लीज इसका इस्तेमाल करें और आपके ऊपर इसका क्या रिजल्ट रहा वो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा एक्सपीरियंस बहुत लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है IISHRAMHERA और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम।